हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। आज नरेशन, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, पूरी जड़ से यानी कि एक वीडियो में आपको नरेशन का जो भी भूत है उसको ख़त्म करूँगा। कई लोग मेरे से बोलते हैं, सर नरेशन समझ में नहीं आते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस वीडियो को देख लीजिए आप। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया, आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी, ये मेरा वादा है। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियो बहुत अच्छे चल रहे हैं, चाहे वो प्रपोजिशन हो, चाहे वो लेटर का वीडियो हो, कंजक्शन का वीडियो हो, मॉडल्स का वीडियो हो, तो नरेशन क्यों नहीं चलना चाहिए? नरेशन को क्यों ना मैं उन लोगों तक पहुंचाऊं जिनको बहुत ज़रूरत है, जिनको समझ में नहीं आता है कि नरेशन क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊँ कि नरेशन का मतलब ही वर्णन करना होता है, यानी कि नरेट करना होता है। जब हम किसी से कुछ बोलते हैं उसको ही तो नरेशन बोलते हैं। अब वो दो तरीके से होता है, ये है हमारा नरेशन, दो तरीके से हो सकता है। एक डायरेक्ट हो सकता है तो एक दूसरा इनडायरेक्ट हो सकता है। यानी कि जब हम किसी बात को सेम टू सेम यानी कि हू बा हू उसी बात को पेश करते हैं तो उसको डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं, और जब हम घुमा फिरा के मिर्च मसाले लगा के पेश करते हैं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब ध्यान से समझिए, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। यहाँ पे आप देख रहे हो कॉमा इनवर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया है, उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा को बंद करके फुल स्टॉप लगाया गया है। इस शक्ल के जितने भी आपको सेंटेंस दिखाई देंगे डायरेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि अंदर जो बात बोली गई है उसी को पेश करते हैं, जो बात बोली गई थी उसी को हम पेश करते हैं, इसीलिए इसको डायरेक्ट बोलते हैं। वहीं पर अगर मैं सेम टू सेम इस तरह का कर दूं लेकिन कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा दूं, प्रेजेंट को पास्ट में बदल दूं, तो हम लोग उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि चेंज किए गए हैं, पर्संस चेंज किए गए हैं, बहुत कुछ चेंज किया गया है। तो अभी तक सिर्फ मैंने इतना बताया है कि डायरेक्ट कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं और इनडायरेक्ट कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अब एक सेंटेंस हमारे सामने है, सेंटेंस है ही सेड टू मी आई गॉट अ चांस। ये हम समझ गए कि डायरेक्ट है ना। अभी तक हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझा था, अब हम समझ गए कि ये डायरेक्ट है। अब आपको पता है कि ये आगे का हिस्सा क्या कहलाता है? आगे का हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। और पीछे का हिस्सा क्या कहलाता है? पीछे का हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग हो जाती है, मतलब बता दिया जाता है कि क्या बताया गया है, मतलब क्या कहा गया है, इसीलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जबकि इसमें रिपोर्टिंग कर रहा होता है इसलिए इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ओके, या फिर इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, अगर सेंटेंस ही सेड सी सेड पे खत्म हो रहा है तो। अब आपको पता है ये आगे का हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच कितने पार्ट में हो सकता है? तीन पार्ट में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वहीं पर अगर रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो कितने पार्ट में हो सकता है? पांच पार्ट में। एक होता है स्टेटमेंट, जिसको हम असर्टिव भी कहते हैं, दूसरा होता है इंटरोगेटिव, तीसरा होता है इम्परेटिव, चौथा होता है ऑप्टेटिव और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी। यानी कि आगे का हिस्सा तीन भागों में आएगा तो अंदर का हिस्सा पांच भागों में आ सकता है। अब आप कहोगे ये क्या होते हैं? तो स्टेटमेंट मतलब होता है अफर्मेटिव का सेंटेंस आ जाए, कभी अफर्मेटिव का आ जाता सेंटेंस मान लो तो इसको स्टेटमेंट बोलेंगे, या फिर नेगेटिव का आ जाए तो नेगेटिव वाले को भी हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि दो तरह के होते हैं, इम्परेटिव जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, ऑप्टेटिव जिसमें दुआ या बद्दुआ दी जाए, और एक्सक्लेमेटरी जिसमें हम लोग महसूस करते हैं कि खुशी हुई, कि दुख हुआ, कि सरप्राइज हुई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा? वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन मैं बिल्कुल आपको बार बार बोल रहा हूँ, एकदम क्लियर ना हो जाए तो कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के क्वेश्चंस की। सबसे पहले मतलब कि प्रेजेंट और फ्यूचर क्यों ले रहे हैं, पास्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर में अंदर वाला हिस्सा बदलता नहीं है, इसलिए हम प्रेजेंट और फ्यूचर ले रहे हैं। ठीक है, इसमें रूल्स टू रिमेम्बर, आप लोग नोट्स बना सकते हो, आराम से नोट्स बनाइए, बैठ के समझिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिंदगी भर का आराम हो जाएगा। रूल्स टू रिमेम्बर में आपको ध्यान रखना है कि आगे वाला हिस्सा अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो उसमें सेज सेज रहेगा, सेज टू को टेल्स में बदल देंगे, से को से में ही रखेंगे तो से टू को टेल में बदल देंगे, जिसके साथ टू लग रहा है उसको टेल में बदला जा रहा है। और दैट शुड बी कंजक्शन है कि दो सेंटेंसों को जब जोड़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान लो कि पर्संस क्या होते हैं इंग्लिश में। तो पर्संस तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और हमारा थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन क्या कहलाते हैं? आई और वी कहलाते हैं।
है ना। जब हम आई और वी की बात करते हैं तो उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, और ही सी इट दिस दैट दोज दीज एनी कोई भी हो, इनको छोड़ के आई वी यू को छोड़ के कोई भी हो, उस सब्जेक्ट को हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन कहीं आपको दिखाई दे जाए तो उसको सब्जेक्ट में बदला जाता है, लेकिन पास्ट में ऐसा होगा। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है और थर्ड पर्सन को नो चेंज रखते हैं। सॉरी, पर्सन तो हमेशा चेंज होंगे, ठीक है। अभी थोड़ा घोलमोल हो रहा होगा, लेकिन समझते जाओ, ध्यान से समझते जाओ। हमारे सामने एग्जाम्पल आएंगे, हम क्लियर करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ही आ गया, अब इसको क्लियर करने का समय आ गया, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, ही सेज टू मी आई एम अ टीचर, इसको बदलना है। सबसे पहले हमने देखा ये किस में है, प्रेजेंट में है, क्यों? क्योंकि एस लगा हुआ है, तो ही की जगह ही लिख दिया, सेज टू की जगह टेल्स लिख दिया, मी की जगह मी लिख दिया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या बताया था, दैट बताया था, कंजक्शन बोलते ना। और आई कौन सा पर्सन है, आई आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, किस में जाएगा, सब्जेक्ट में जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा, है ना। अब ही के साथ एम तो लगता नहीं है, तो एज लग गया, आ टीचर की जगह आ टीचर। तो आपने देखा होगा कि ये प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहा, पास्ट में नहीं बदला, इसीलिए तो इसको हम आसान कैटेगरी में रखते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया, ही टेल्स मी दैट ही इज अ टीचर। वहीं पे अगला क्वेश्चन आ गया है, मान लीजिए सी सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैव डन वर्क, इसको बदलना है, तो हमने सी की जगह सी और सेज की जगह सेज, क्योंकि हम पहले नियम पढ़ के आए हैं कि नहीं, अगर नहीं समझ पाया तो दोबारा देख लो एक झलक। हमने ये पढ़ा था ना कि से की जगह सेज की जगह सेज होता है, पढ़ा था ना, सेज टू की जगह टेल्स होता है, तो वही तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी को तो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आई हैव डन वर्क, इसको बदलना है, हमने कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा, सब्जेक्ट में जाएगा, तो सब्जेक्ट में हमने लिख दिया सी। उसके बाद हैज किस में, हैव किस में बदलेगा, हैज में, क्योंकि सी के साथ तो हैज आता है, और डन वर्क की जगह डन वर्क, यानी कि ये भी हमें क्लियर हो चुका है। ऐसे ही हमारा जो थर्ड वाला दिखाई दे रहा है, रवि वाला, ये भी आप लोग खुद ही कर लो, मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप आराम से अब बना सकते हो। रवि सेज टू मी यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, रवि टेल्स मी दैट लगाया, यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट में बदलेगा, तो मी का हमने आई कर दिया, आई के साथ एम आएगा और एन इंटेलिजेंट बॉय, क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को एक नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको समझ लो कि अगर अंदर का भाग, देखो बार बार बोला जा रहा है, थोड़ी सी मेरी स्पीड हो सकती है, लेकिन ध्यान से समझते जाइए। अगर अंदर का भाग, इफ यूनिवर्सल ट्रुथ एंड प्रोवर्ब्स आर यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि अंदर के भाग में दो चीजें आ जाएं, एक हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ और दूसरी हमारी प्रोवर्ब्स, अगर अंदर के भाग में आ जाती हैं तो उनको बदलते नहीं हैं, क्योंकि वो तो भैया सार्वभौमिक सत्य, उनको क्यों बदलेंगे, वी डू नॉट चेंज इट, हम लोग बदलते नहीं है, वेदर रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, चाहे आगे का हिस्सा किसी में बना रहे। तो हमने देखा ये आगे का हिस्सा पास्ट में है, ही सेड टू मी, तो हमने कुछ नहीं किया, पास्ट को पास्ट में ले जाएंगे, तो ही टोल्ड मी कर दिया, क्योंकि सेड टू को टोल्ड कर दिया, फिर हमने दैट लगा दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, ये दुनिया को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इनको बदलने की क्या जरूरत है, सेम टू सेम हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज लिख दिया, तो यानी कि अंदर के भाग को हम नहीं बदलेंगे अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ और प्रोवर्ब्स है। जैसे माई टीचर सेज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी भैया सब जानते हैं, तो माई टीचर सेज दैट लगाया और द अर्थ मूव्स अराउंड द सन वैसे का वैसा कर दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ऑफ पास, यही तो स्टार्टिंग होगी, असली नरेशन तो यहीं से शुरुआत है। अगर आप अभी तक वीडियो में टिके हो तो समझ लो बहुत ही आपको आनंद आ रहा है और आप समझते चले जा रहे हो। तो क्वेश्चन ऑफ द पास्ट की अगर हम बात करें, पास्ट के जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो भैया पास्ट के थोड़े ज्यादा रूल हैं। सेड को सेड में बदलेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, कंजक्शन दैट रहेगा, ये सारे नियम लिखते चले जाओ आप। अगर आपको बहुत अच्छा करना है, नियम लिखते चले जाओ। डायरेक्ट यहाँ पे हमने एक तरफ हेडिंग डाल दी, इनडायरेक्ट एक तरफ हमने हेडिंग डाल दी, और नियम लिखते चले गए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस डू या डज किस में बदलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म डेड में बदलेगा, इज आर एम वाज वर्ब में, हैज और हैव हैड में बदलेगा, हैज बीन हैव बीन हैड बीन में बदलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म और डेड हैड में बदलेगा। ध्यान से देखते जाइए, ये नियम तो आपको ही करने पड़ेंगे, ये सारे नियम नोट करिए जल्दी जल्दी आप लोग, एक बार इसमें नोट करें, स्क्रीन को रोक लें, उसके बाद नोट करें, एक बार नियम आप नोट हो जाए, एक बार उसको पढ़ लो और फिर आप मेरे साथ क्वेश्चन लगाओगे। तो वाज और बार किस में बदलेगा, हैड बीन में, हैड किस में बदलेगा, हैड में ही बदलता है, हैड बीन में ही बदलता है, कुछ चीजें एकदम कॉमन है, देखते जाइए। विल किस में बदलेगा, वुड में बदलेगा, सेल शुड में बदलेगा, कैन कुड में बदलेगा, मे माइट में बदलेगा, है ना। टुडे किस में बदलता है, दैट डे में बदलता है, यस्टरडे
प्रीवियस डे में बदलता है, टुमोरो नेक्स्ट डे में बदलता है, दिस या फिर इट आ जाता है तो दैट में बदलते हैं, हेयर का देयर में बदलते हैं, नाउ का देन में बदलते हैं, एगो का बिफोर में बदलते हैं, सारे प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, अब नहीं रोकेंगे हम, अब नहीं रुकेंगे और क्वेश्चन करते चले जाएंगे और समझते चले जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई हैव ड्रंक अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने एक ग्लास पानी पी लिया है। तो उसने क्या कहा, इनडायरेक्ट में बदल देते हैं, ही टोल्ड मी कर दिया, दैट लगा दिया, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में गया तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, उसके बाद हैव की जगह हैड, ड्रंक की जगह ड्रंक और अ ग्लास ऑफ वाटर की जगह अ ग्लास ऑफ वाटर। समझ गए हो गए आप लोग। रवि सेड टू राजू, आई गॉट अ डिसीजन टुडे, तो रवि टोल्ड राजू, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, राज रवि में गया तो रवि का ही कर दिया, गॉट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो किस में बदलती है, जो हैड में बदलती है, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डिसीजन की जगह अ डिसीजन और टुडे की जगह दैट डे हमने लिख दिया। नियम पता है, सब कुछ सही, खुद ट्राई करें। She said to me, you are doing good now. तो इसको बदलना है, तो she told me that I was doing good then. Now का किस में बदलता है? Then में बदलता है। Is are am was verb में बदलते हैं, इसलिए आसानी से बदल दिया। ऐसी राहुल said you are an intelligent boy, इसको भी बदल दिया, राहुल said that I was an intelligent boy. आराम से समझ में आ गए होंगे। स्क्रीन को रोको, आराम से देखो और समझते चले जाओ, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो अब मैं बात करता हूँ इंटरोगेटिव की। अगर इंटरोगेटिव आ जाए तो कैसे बदलेंगे? तो भैया इंटरोगेटिव में हमारे नियम चेंज हो जाते हैं। सैड हो चाहे सैड टू, दोनों को आस्क में बदल देते हैं। इफ हो या वेदर, इसको हम कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये वेदर भाई साहब जो है ना, वेदर को हम तभी यूज करेंगे जब कंडीशन दी हो। सेंटेंस में क्या दी हो? कंडीशन दी हो, तभी हम वेदर का यूज करेंगे। कंडीशन कैसे पता लगाओगे? तो भैया कंडीशन कैसे पता लगाओगे? कंडीशन को आप पता लगाओगे जब हमें किसी सेंटेंस में और दिया है ना, या फिर और नॉट दिया है, कंडीशन दी हो। जैसे अभी अपन को एग्जांपल देख के क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ही सेड टू मी, हैव यू मेड इट क्लियर, इसको बदलना है। तो बस अब सेड टू की जगह हमने आस्क किया, मी की जगह मी कर दिया, ही की जगह ही तो है ही, उसके बाद इफ लगा दिया। अब यू जो है वो कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन किस में जाएगा? ऑब्जेक्ट में, तो मी का आई कर दिया, हैव को हैड में बदल दिया, मेड की जगह मेड, इट की जगह दैट और क्लियर की जगह क्लियर कर दिया। नियम वही, बस आपको थोड़े से नियम ध्यान रखने हैं और काम बनता चला जाएगा। सी सेड टू मी, आई एम आई मेकिंग अ नॉइज, तो सी आस्क्ड मी इफ आई वाज मेकिंग अ नॉइज। आसानी से बैठ के स्क्रीन को रोक के समझो, क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बस ये जो सब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है, फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में चली जाती है। ठीक है, ही सेड हैव यू टॉट मी, तो ही आस्क्ड, इफ लगाया, यू हमारा सेकंड पर्सन है, अब सेकंड पर्सन इसमें मिला नहीं, अब क्या करें? कोई बात नहीं, अपने मन से आई लगाएंगे, क्योंकि मुझसे ही बोला हुआ उसने, तो हमने अपने मन से आई लगाया, हैव का हेड बदल दिया, टॉट की जगह टॉट कर दिया, मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में जाता है, तो ही का हिम हो जाएगा, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। अब जिसका इंतजार था वो क्वेश्चन आ चुका है, और नॉट वाला, सी सेड टू मी, इज राजू डूइंग वर्क, और नॉट आ गया, यानी कि किया कि नहीं किया। तो भैया किया कि नहीं किया, इसको वेदर का प्रयोग करेंगे, कि वेदर मतलब किया कि नहीं, इसको बताने के लिए। तो आंसर हो जाएगा सी आस्क मी वेदर राजू वॉज डूइंग वर्क। यहाँ पर हम लोगों को और नॉट को हटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो वेदर में पहले से शामिल हो चुका है, कि किया कि नहीं किया। ओके, इंट्रोगेटिव समझ में आ चुके होंगे। डबल इंट्रोगेटिव की बारी आ चुकी है, डबल इंट्रोगेटिव ध्यान से समझ लीजिए। डबल इंट्रोगेटिव की बात करें तो सेड और सेड टू किस में बदलते हैं? आस्क्ड में ही बदलते हैं। इफ और वेदर का काम खत्म, अब आ गया है क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड आपको दिखाई दे उसी को यूज करना है। सेम टू सेम रहेगा, ही सेड टू मी, Why did you take tension? हमने ही लगाया, उसके बाद said to की जगह ask लगाया, me की जगह me, comma inverted comma की जगह why लगा दिया, you हमारा कौन सा person है? Second person है, तो यहाँ पे me का I हो गया, did को had में बदलेंगे, take की third form taken हो जाएगी, और tension की जगह tension, यानी कि final answer हो गया, he asked me, why लगा दिया, बस यहाँ पर I had taken tension। ऐसे ही अगला question हमारे सामने फिर है एक बार, she said to him, how am I singing a song? तो आंसर हो जाएगा सी आस्क्ड हिम हाउ सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर हो रहा होगा। दे सेड व्हाट आर दे डूइंग, तो दे आस्क्ड व्हाट दे वर डूइंग, क्योंकि ये जा रहे हम वाज वर्ब में बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस आ गए, अब धीमे धीमे खत्म करते जा रहे हैं। इंपरेटिव के बाद ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव के बाद एक्सक्लेमेटरी, मजे करो आराम से, नरेशन आपकी मुट्ठी में हो चुके होंगे तब तक। देखिए आगे बढ़ते हैं,
इंपरेटिव सेंटेंस में चार प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। नंबर वन ऑर्डर, जिसको हम लोग कमांड भी बोलते हैं। रिक्वेस्ट सेकेंड नंबर का होता है, एडवाइस थर्ड नंबर का होता है, सजेशन फोर्थ नंबर का होता है ना। इस तरह के इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। नहीं पता इंपरेटिव क्या होता है भैया? जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो उसको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, राइट। जैसे सबसे पहले हम ऑर्डर वाले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। ऑर्डर वाले सेंटेंस में सेड हो चाहे सेड टू ऑर्डर में बदल जाते हैं या कमांडेड में भी बदल जाते हैं। और यहाँ पे कंजक्शन टू आ जाता है, क्यों? क्योंकि अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म छुपी होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ आ जाए वहाँ समझ लो टू ही लगाना है। जैसे ही सेड टू मी गो एंड डू योर वर्क, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है जाओ और अपना काम करो, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, ही ऑर्डर्ड मी टू गो एंड डू माई वर्क, यानी कि उसने मुझसे बोला कि जाओ तुम अपना काम करो। तो योर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो मी में जाएगा, मी का माई हो जाएगा। ऐसे सी सेड टू हिम स्टैंड देयर, इसमें साफ साफ ऑर्डर दे रहे हैं, तो सी ऑर्डर्ड हिम टू स्टैंड देयर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा भैया, हेयर का देयर होता है, देयर का हेयर नहीं होता है। अगर कंफ्यूजन हो तो वो भी क्लियर कर लेना। आगे बढ़ते हैं और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हमारे सामने आ चुके हैं, तो रिक्वेस्ट वालों को हम आराम से पहचान लेंगे। जब कभी भी काइंडली या फिर प्लीज दिया हो तो हम समझ जाते हैं कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है, तो सेड और सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। इसमें भी टू हमारा कंजक्शन हो जाएगा, लेकिन प्लीज और काइंडली को हटा देंगे, तुम क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। तो सबसे पहले ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, इसको बदलना है, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। अब देख लो कैसे हुआ, सेड टू को कुछ नहीं किया, रिक्वेस्ट में बदल दिया, प्लीज को हटा दिया, हेल्प की जगह हेल्प कर दिया, मी हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो ही में बदल देगा, तो ही का हिम कर दिया और टू से सेंटेंस को दोनों को जोड़ दिया, आसानी से काम बन चुका है। ऐसे सी सेड टू हिम काइंडली ग्रांट मी टू डेज लीव, इसको बदलना है, तो सी सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड किया, हिम की जगह हिम किया, काइंडली को भैया जाओ घर पे जाओ, टू के साथ ग्रांट मी टू डे लीव कर दिया। समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला एडवाइस आपका इंतजार कर रहा है, तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि एंड तक देखते रहो वीडियो और कमाल देखते जाओ। सेट और सेट टू किस में बदलता है, एडवाइस में बदलता है, टू यहाँ पे भी कंजक्शन है। जैसे डॉक्टर ने पेशेंट को हमेशा एडवाइस देता है, तो क्वेश्चन आ गया, डॉक्टर सेड टू पेशेंट फॉलो माय मेडिसिन एंड किल कोरोना, और भैया कोरोना का नाम आ चुका है, थोड़ा डर लग जाता है, पूरा देश ही लॉकडाउन हो गया था। तो डॉक्टर एडवाइस पेशेंट, यानी डॉक्टर ने एडवाइस को पेशेंट को एडवाइस किया टू फॉलो हिज मेडिसिन, की उसकी दवाई फॉलो करे, एंड किल कोरोना, और मार दे ऐसा डॉक्टर भगवान सबको दे। प्रिंसिपल सेड टू स्टूडेंट्स वर्क हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, तो भैया प्रिंसिपल एडवाइस स्टूडेंट टू वर्क हार्ड फॉर देयर एग्जामिनेशन, क्यों? क्योंकि योर जो है वो सेकंड पर्सन है और स्टूडेंट्स में बदलेगा, तो स्टूडेंट्स का देयर हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं और सजेशन की बात करते हैं। सजेशन वाले सेंटेंस लेट्स से शुरू होंगे, किससे शुरू होंगे, लेट्स से शुरू होंगे, तो सेड और सेड टू को सजेस्टेड में बदलेंगे, कंजक्शन हमारा दैट रहेगा, और लेट्स को हटा के हम लोग बी शुड में बदल देते हैं। नियम बस आपको ध्यान रखने हैं, दो तीन बार आप अगर वीडियो को ही दो बार देख लोगे ना तो काम बन जाएगा। He said to me, let's play cricket, इसको बदलना है, तो he suggested me, उसके बाद that लगाया, let's की जगह we should लगाया, play cricket लगा दिया, आंसर बन चुका है, नियम हमारे सामने है, काम हमारा बनता चला जा रहा है। She said to me, let's find out solution, तो she suggested me that we should find out solution, ऐसे बदलते चले जाएंगे। आंगे don't और never का कभी क्वेश्चन आया तो क्या करोगे, लो भैया उसका भी इलाज बता देते हैं। सैड हो चाहे सैड टू, दोनों को फॉरबिड में बदलेंगे, नंबर वन बात। टू शुड बी कंजक्शन, यानी कि टू को जोड़ेंगे, रिमूव डोंट एंड नेवर, और डोंट और नेवर को हटा देंगे, काम बन जाएगा। जैसे ही सेड टू मी डोंट टेल अ लाई, चलिए साहब बना देते हैं, ही फॉरबिड मी, उसके बाद डोंट को हटाया, जाइए भैया घर पे, टू लगाया, टेल अ लाई की जगह टेल अ लाई कर दिया। उसके बाद दे सेड टू हिम नेवर अब्यूज, तो दे फॉरवर्ड हिम टू अब्यूज, यहाँ पे हमने दे लिखा, सेड टू की जगह फॉरवर्ड कर दिया, हिम की जगह हिम, और टू के साथ नेवर अब्यूज को हमने कर दिया टू अब्यूज। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ऑप्टेटिव सेंटेंस आ गए हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें दुआ या बद्दुआ दी जाती है, तो भैया सेड और सेड टू को कर्स या फिर ब्लेस, यानी कि बद्दुआ दी जा रही है तो कर्स और दुआ दी जा रही है तो ब्लेस्ड की बात करेंगे। दुआ और बद्दुआ, भगवान किसी को ना मिले बद्दुआ, सब संपन्न रहें, अच्छे रहें, तो यहाँ पे बद्दुआ की बात की जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टू और दैट दोनों कंजक्शन लगते हैं, लेकिन जब अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अंदर वाले सेंटेंस में, तो टू लगाते हैं, और अंदर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो दैट लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो जिससे क्लियर हो जाए,
ही सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, यहाँ पर यह सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो हम लोग दैट लगाएंगे, तो ही ब्लेस्ड मी, साफ साफ दिखाई दे रहा है मे यू गेट सक्सेस यानी कि दुआ दी जा रही है, तो ही ब्लेस्ड मी। उसके बाद क्या लगाया, दैट लगाया। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, मी का आई में बदल दिया, मे का माइट में बदल दिया, गेट की जगह गेट कर दिया और सक्सेस की जगह सक्सेस कर दिया, तो ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट गेट सक्सेस। उसके बाद सी सेड टू हिम गो टू हेल, इसको बदलना है बदल देते हैं भैया, सी कर्ड हिम टू गो टू हेल, इसमें टू जोड़ दिया, क्यों जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे गो लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि हम लोग टू लगाएंगे, और गो टू हेल यानी कि एक बद्दुआ दी जा रही है तो कर्ज लगा दिया। अब लास्ट बचा है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करके नरेशन पे कमांड बना दीजिए, और आपको अभी तक आप वीडियो में टिके हो तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ, और आप मेरा धन्यवाद देना मत भूलना अगर वास्तव में आपको समझ में आया तो, है ना, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सैड हो चाहे सैड टू तीन चीजों में बदलते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे तीन भाव जाते हैं। नंबर वन भाव एक्सक्लेम विद जॉय यानी कि जब हम खुशी के साथ बोलते हैं, एक्सक्लेम विद सोरो जब हम दुख के साथ बोलते हैं, एक्सक्लेम विद सरप्राइज यानी कि जब हम अपने सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं, तो हमारी तीन फीलिंग हो जाती है ओनली, जब किसी ने कोई बात बताई तो या तो हम खुश हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे या फिर सरप्राइज हो जाएंगे। इसमें दैट शुड बी कंजक्शन और रिमूव एक्सक्लेमेशन वर्ड, और जो एक्सक्लेमेशन वर्ड आया उसको हटाते हैं, जैसे कि पहला सेंटेंस हमारे सामने है, ही सेड टू हिम मी हुर्रा आई वॉन द मैच, यहाँ पर साफ साफ देख रहे हो हुर्रा यानी कि क्या दिखाया गया है, यहाँ पर खुशी दिखाई गई है, तो ही एक्सक्लेम्ड मी विथ जॉय, उसने बड़े खुशी के साथ मेरे को बोला, दैट लगा दिया, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो किस में गया, हमारा सब्जेक्ट में गया तो ही लिख दिया, वॉन हमारी सेकेंड फॉर्म है तो हेड में बदल गई, और उसके बाद वॉन द मैच यानी कि ही एक्सक्लेम्ड मी विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच कर दिया। उसके बाद एन ओल्ड मैन सेड अलास आई हैव लॉस्ट माय प्रॉपर्टी, आप देख रहे हो साफ साफ अलास की बात कर रहे हैं यानी कि दुख की बात कर रहे हैं, तो एन ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो, बड़े दुख के साथ एक ओल्ड मैन बोला दैट सी हैड ओल्ड, अच्छा इसमें लिखना भूल गए थे, कोई बात नहीं, यहाँ पे ओल्ड लेडी कर देते हैं क्योंकि सी आ गया ना, तो ओल्ड लेडी कर देते हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है, ओल्ड लेडी समझ लेना आप लोग, दैट सी हैड लॉस्ट हर प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी खो गई है, और सी सेड टू मी व्हाट आई फेल्ड यानी कि इस बार आश्चर्यचकित के साथ वो बोला कि मैं फेल हो गया हूं, एक आश्चर्यचकित सरप्राइज दिखाई दे रहा है, तो ही एक्सक्लेम्ड मी विद सरप्राइज दैट ही हैड फेल्ड, कि वो फेल हो गया था, राइट। और कैप्टन सेड टू प्लेयर्स वेल डन यू हैव ऑल प्लेड वेल यानी कि इसमें खुशी दिखाई जा रही है, तो कैप्टन एक्सक्लेम्ड प्लेयर्स विद जॉय दैट दे हैड प्लेड वेल, कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला। ये हमारे नरेशन थे, आशा करता हूँ बड़े अच्छे लगे होंगे क्योंकि मैंने पहले बढ़िया से बनाए क्वेश्चन आपके लिए और उसके बाद आपको एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसको थोड़ा सा फैला सकते हो यानी शेयर कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।